अब ये जो सेगमेंट है जहाँ बैठता है जीप कंपस हो गया, टाटा हैरियर हो गया, उसके बाद हो गया एमजी का हेक्टर, अगर ये तीन ऑप्शंस है एंड ये तीन से आपको एक चूज करना है तो आप कौन सा चूज करोगे? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू जीप कंपस प्राइसिंग वेरिएंट्स कलर्स, क्या क्या ऑप्शन है, कितना पैसा लगता है, कितना आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, कितना ईएमआई रहेगा, कितना आपको इनकम टैक्स रहना चाहिए, लोन एलिजिबिलिटी क्या है, पूरा डिटेल्स में ये वीडियो में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ, पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू बाय जीप कंपस। चलो एनीवेज, फाइनली द जीप कंपस का प्राइसिंग इज आउट एंड वो लोग मतलब आई जस्ट फील लाइक जीप कुड हैव डन द प्राइसिंग ए बिट बेटर। एंड द फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज इतना सारा मॉडल्स वो डाल देते हैं, लोग टोटल कंफ्यूज होंगे वो कौन सा लेगा, एस ओ एस, उसके बाद लिमिटेड, ए टी एस, मतलब कितना सारा, इतना सारा मॉडल्स दे के टोटल मतलब कस्टमर्स को कंफ्यूज करने से अच्छा है एटलीस्ट एक दो मॉडल दे दो, क्यों ये इट मेक्स सेंस। अगेन इंडिया में लोगों को बहुत सारा ऑप्शन चाहिए, बाकी वो सब ऑप्शन देख के मतलब दो तरह के लोग होते हैं, उनको टोटल बेस वाला वेरिएंट चाहिए, नहीं तो और एक तरह के लोग होते हैं मेरे तरह, वो बोलते हैं कि अपने को टोटल टॉप एंड वाला चाहिए, वो बीच वाला कोई वेरिएंट देखते ही नहीं है। सो मतलब कन्फ्यूजन से अच्छा है एटलीस्ट एक दो मॉडल दे दो लोगों को चूज करने, जब आप इतना सारा ऑप्शन दे देते हो इतना सारा प्राइस टैग के साथ, लोग एक्चुअली गेट्स कन्फ्यूज, उसके बाद लोगों मतलब शोरूम जाके वो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस करते हैं, ये लेंगे वो लेंगे, इसमें क्या है उसमें क्या है। सो आई जस्ट फील लाइक जीप प्राइसिंग कुड हैव डन ए बिट बेटर, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि अपना जो लास्ट वाला जो जीप का जो अपना प्राइसिंग था उससे ही जो करंट वाला जो प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा है। लास्ट वाला लोग नहीं खरीदते थे क्योंकि उसमें इंटीरियर इतना अच्छा नहीं था, अभी नया वाले में इंटीरियर है, बाकी उसके लिए आपको पूरा मतलब बड़ा वाला टॉप एंड वाले मॉडल पे जाना पड़ेगा एंड टॉप एंड वाला मॉडल इज काइंड ऑफ प्राइसी। सो आई जस्ट फील लाइक प्राइसिंग कुड हैव बीन डन मच बेटर। नाउ फर्स्ट लेट्स सी द वेरिएंट्स, अभी ये जीप कंपस में इतना सारा जो वेरिएंट्स है उसको एक एक करके देखते हैं, उसका पूरा एग्जैक्टली उसका प्राइसिंग देखते हैं। देखो अभी कितना बड़ा लिस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, close to 10-15 मॉडल भाई, एक गाड़ी का इतना सारा मॉडल्स दोगे तो कस्टमर्स आर ऑलवेज गोइंग टू गेट कन्फ्यूज। सबसे पहला है स्पोर्ट, उसके बाद है लॉन्गिट्यूड, उसके बाद है लिमिटेड, उसके बाद है 80th एनिवर्सरी, उसके बाद है मॉडल एस। अभी मॉडल एस में 3, लिमिटेड एडिशन में 3, लिमिटेड में 3, लॉन्गिट्यूड में 2, स्पोर्ट में 3 एंड इसका जो सबसे बेस वाला वेरियंट है, मैं तो बोलूँगा कि आप इतना सारा कन्फ्यूजन नहीं हो के, अगर आपको पैसा बचा नहीं है फिर कम पैसा का बजट है, जस्ट गो एड एंड गेट द स्पोर्ट वेरिएंट विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16.99 लाख प्लस एक शोरूम मतलब प्लस टैक्सेस और इंश्योरेंस। एंड अगर आप पैसा मतलब खर्चा कर सकते हो डायरेक्टली गो फॉर द मॉडल एस विच इज गोइंग टू बी 28.29 लाख प्लस टैक्सेस, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। एवरीवन वेर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी समवेयर क्लोज टू लाइक 26 और 25 लाख प्लस टैक्सेस, सो ये जो 29 लाख क्लोज टू हो गया प्लस टैक्सेस, तो मतलब ये ऑन रोड आते आते इट्स गोइंग टू बी क्लोज टू लाइक 30 to 33 लाख विच इज़ क्वाइंड ऑफ एक्सपेंसिव। मतलब अगर किसी को भी 30 मतलब 30-35 लाख अगर किसी को खर्चा करना होगा, आई थिंक दे आर गोइंग टू गो फॉर मे बी टोयोटा फॉर्चूनर, द न्यू वन फॉर्चूनर, और मे बी द फॉर्ड एंडियावर, या फिर एमजी ग्लॉस्टर भी ले सकते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के, मतलब 30-35 लाख में कॉम्पैक्ट एसयूवी लेके आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी वाइज डिसीजन, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स, लाइक उनको कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए या फिर बड़ा वाला एसयूवी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा राइड क्वालिटी चाहिए, या फिर बड़ा साइज का चाहिए या फिर छोटा साइज का चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। सो बेसिकली आई जस्ट फील लाइक ये जो अपना टॉप एंड वाला है उसका प्राइसिंग और थोड़ा अच्छा हो सकता था, 29 लाख प्लस टैक्सेस इज जस्ट ए लॉट, मतलब ये जो प्राइस हो गया लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा प्रीमियम हो गया। अभी उसके बीच में अभी लोगों को सोचना पड़ेगा क्योंकि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में टाटा हैरियर इज वन ऑफ द बेस्ट कार, इट जस्ट लुक सो गुड, सो गुड, मतलब ऑलमोस्ट इट फील्स टू लाइक यू आर लुकिंग एट ए लैंड रोवर समथिंग लाइक दैट। सो टाटा हैरियर को ये सेगमेंट में बीट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग अगर जीप कंपस आता है नया वाला प्राइसिंग, मे बी वो टाटा हैरियर के सेगमेंट में रहेगा, मे बी 4x4 और थोड़ा 1-2 लाख एक्स्ट्रा हो सकता है, लाइक बीइंग मोर 7-8 लाख एक्स्ट्रा इट डजेंट मेक सेंस। तो अगर आपको लेना ही है ये वाला सेगमेंट में, टाटा हैरियर इज अ ग्रेट ऑप्शन, 4x4 अगर आपको चाहिए देन जीप कंपस मेक सेंस, अगर नहीं तो आप जीप कंपस से नीचे वाला मॉडल भी ले सकते हो, और टाटा हैरियर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट लुक सो गुड, इंटीरियर में फीचर्स भी बहुत अच्छा है, एंड मे बी वही 22 या 23 लाख में आपको टोटल टाटा हैरियर ऑन रोड आ जाएगा फॉर द टॉप एंड मॉडल विच इज ए वाइज डिसीजन। एंड कल जब ये जीप कंपस का प्राइसिंग रिलीज हो रहा था लाइव स्ट्रीम में, जीप गाइज ओनली टोल्ड यू अबाउट द 26.29 लाख जो टॉप एंड, तो लोगों को लगने लगा ये जो टॉप एंड वाला मॉडल है मॉडल एस, मे बी इट्स लाइक 26.29, इट्स नॉट। अपना ये जो टॉप एंड वाला मॉडल मतलब एस डीजल 4x4 ऑटोमेटिक वाला, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 28.29 लाख। ये वाला उन्होंने वीडियो में बताया ही नहीं, वीडियो में दे हैव ओनली टोल्ड यू अबाउट लाइक द 26.29 लाख वाला। ये जो टॉप एंड
एंड वाला 4x4 ऑटोमेटिक डीजल वाला एडिशन, दिस इज नॉट व्हाट दे डिड नॉट इवन इंक्लूड दैट इन द लाइव स्ट्रीम. सो ये वाला प्राइसिंग, आई वाज एक्चुअली वेटिंग टू सी द प्राइसिंग ऑफ दिस मॉडल एक्जैक्टली. मेरे पास ये वाला प्राइसिंग चार्ट आने के बाद ही मेरे को मालूम पड़ा कि ओहो ये मॉडल वाला टॉप एंड मॉडल इज दैट एक्सपेंसिव. इट्स नॉट 26.29, इट्स एक्चुअली 28.29 लाख प्लस टैक्सेस प्लस इंश्योरेंस प्लस हैंडलिंग प्लस TCS. तो वेरियंट्स का तो आपको मालूम पड़ गया. नाउ कमिंग टू द कलर्स, इसमें अभी दो तीन नया कलर्स आया हुआ है. ग्रीन वाला लुक्स गुड, बट एज यूजुअल इतना सारा कलर हो हमें तो ओनली ब्लैक ही दिखता है. अगर आपको जीप कंपास लेना है आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो एड एंड गेट द ग्रीन वाला, जो नया वाला है ग्रीन वाला, वो थोड़ा मतलब कैमो कलर टाइप का वो ले सकते हो. अगर वो नहीं मिलता है जस्ट गो एड एंड गेट द ब्लैक, ब्लैक वाला लुक्स जस्ट सो गुड ऑन जीप कंपास. चलो आपको वेरियंट्स का आइडिया आ गया, प्राइसिंग का आइडिया आ गया, कलर्स का भी आइडिया आ गया. अभी पकड़ते हैं इसका लोन कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं. अभी लोन कैलकुलेशन में हम दो मॉडल्स लेते हैं. फर्स्ट लेते हैं उसका बेस मॉडल जो है 16.99 लाख, उसके बाद लेंगे मॉडल एस जो है उसका टॉप एंड मॉडल. तो बेस मॉडल खरीदने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या रहना चाहिए, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कैसा रहना चाहिए, आपका सैलरी कितना रहना चाहिए, कितना आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, कितना आपको मंथली ईएमआई देना पड़ेगा, ऑल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. सो पहले अपन बेस मॉडल लेते हैं. बेस मॉडल इज 16.99 लाख. उसका अगर हम डाउन पेमेंट दे देते हैं लेट्स से 5 लाख, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज गोइंग टू बी 11.99 लाख. इंटरेस्ट पकड़ लो बैंक का 7.5, एंड 5 साल का अगर आप लेते हो लोन तो योर ईएमआई इज गोइंग टू बी 24,026 रुपीज. मतलब आपका हर महीना 24,000 आपको पे करना है बैंक को 5 साल तक. डाउन पेमेंट देना है ओनली 5 लाख, एंड रेस्ट ऑफ द बैंक इज मतलब रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज द बैंक लोन. दिस इज फॉर द बेस मॉडल. अगर आप बेस मॉडल लेते हो 16.99 लाख वाला, आपका ईएमआई इज गोइंग टू बी क्लोज टू 24,000, एंड आपको डाउन पेमेंट देना है 5 लाख. सो टॉप एंड का पकड़ लो 22.29 लाख हो गया. तो अगर आप देते हो 5 लाख का डाउन पेमेंट दे देते हो, योर प्रिंसिपल अमाउंट इज 23.29 लाख. इंटरेस्ट पकड़ लो 7.5, ईयर्स पकड़ लो 5 साल, तो आपका ईएमआई इज गोइंग टू बी 46,000. एग्जैक्टली डबल हो गया. सो क्लोज टू 47,000 आपका मंथली ईएमआई आएगा. सो अगर आप बेस वाला वेरिएंट लेते हो उसमें भी अगर 5 लाख का डाउन पेमेंट देते हो, योर पर मंथ ईएमआई इज गोइंग टू बी 24,000. अगर आप टॉप एंड वाला लेते हो 5 लाख का डाउन पेमेंट दे के और 5 साल के लिए लोन लेते हो, योर ईएमआई इज गोइंग टू बी 47,000. अभी कितना आपका एलिजिबिलिटी रहना चाहिए अगर आपको ये लोन लेना है. तो सबसे पहला है, अगर आप बेस वाला वेरिएंट लेते हो ईएमआई इज 24,000, तो आपका सैलरी क्लोज टू वही 40,000 रहना चाहिए. आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स नीड्स टू बी समवेयर क्लोज टू लाइक 5 to 6 lakhs इफ यू आर लुकिंग टू बाय द जीप कंपास बेस वेरिएंट. एंड इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू गेट द जीप कंपास टॉप एंड वाला एडिशन जिसमें ईएमआई 47,000, योर सैलरी नीड्स टू बी समवेयर क्लोज टू लाइक 60,000. पकड़ लो इनकम टैक्स हैज टू बी 6 to 7 or 8 lakhs अप्रॉक्स पर एनम. मतलब इनकम टैक्स उतना रहना चाहिए अगर आपको ये वाला लोन को अप्लाई करवाना है. तो अभी नेक्स्ट आते हैं, आपको कितना पैसा रेडी करवाना है अगर आपको ये वाला लोन प्रोसेस करवाना है. तो अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो 16.99 लाख, उसका अगर पकड़ देते हो आप डाउन पेमेंट 5 लाख, उसका TCS इज गोइंग टू बी क्लोज टू 16,000. उसके बाद हो गया इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी क्लोज टू लाइक 30 या 40,000, एंड उसका जो हो गया रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू क्लोज टू 1.6 लाख. तो आपको टोटल आसपास पकड़ लो 5 लाख, 1.6, 6.6 के बाद इंश्योरेंस हो के क्लोज टू 7 लाख आपके बैंक में रेडी होना चाहिए इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू बाय द बेस वेरिएंट. अगर आपको टॉप एंड वाला लेना है 22.29 लाख, यू नीड टू हैव ए मनी समवेयर ऑफ अराउंड लाइक डाउन पेमेंट 5 लाख हो गया, उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी 22.9, मतलब 3 लाख पकड़ लो. इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी क्लोज टू लाइक 70 या 80,000. तो 3 or 5, 8, मतलब क्लोज टू 10 लाख आपके बैंक में रेडी होना चाहिए इफ यू आर लुकिंग टू बाय द टॉप एंड ऑफ द जीप कंपास विच आर 28.29 लाख एक शोरूम वाला. सो इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, एंड आपका मतलब इनकम टैक्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. ईएमआई मतलब आपको अगर बेस वेरिएंट लेना है ईएमआई 24,000, टॉप एंड लेना है ईएमआई 47,000. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्स अबाउट द जीप कंपास इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू बाय. आई होप यू हैव गॉट द कंप्लीट आइडिया राइट नाउ. अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है जीप कंपास के रिलेटेड नीचे मेरे कमेंट से पूछो, मे बी आई कैन जस्ट गो एंड आंसर, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू ब्लॉग.